नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एनएल बागड़ी फ्रॉम अचरोल इंग्लिश एजुकेशन पर आपका हार्दिक स्वागत है। तुम डॉवर बीच पॉइंट पढ़ रहे हैं क्या? डॉवर बीच इसका जो मैं तीसरा पार्ट लेके आया हूं आपके सामने, बहुत शानदार है। कल इसका दूसरा पार्ट हो गया था। जो दूसरे पार्ट में जो कवि है डॉवर बीच के अंदर जो भी घटनाएं घटी, जो टाइड वगैरह आता है, तो मानो मस्तिष्क के प्रति यानी अपने प्रति जो दुख प्रकट करता है जब जवान आता है और जाता है, एक अपनी लाइफ के जो दुख थे उनको लेकर वो दुखी होता है। अब तीसरा पार्ट है, उसमें क्या है देखो कि सोफोक्लिक्स लॉन्ग एगो। सोफोक्लिक्स, अब इसमें एक एग्जांपल लिया उसने, एक एग्जांपल लिया या किसी व्यक्ति के बारे में कि सोफोक्लिक्स लॉन्ग एगो। अब सोफोक्लिक्स है जो एक व्यक्ति का नाम दर्शाएगा, यानी यूनानी ग्रीक भाषा का ड्रामेटिस्ट है, यानी नाटककार है। ये यूनानी नाटककार, जो ग्रीक भाषा होती है उसका नाटककार है ये। कौन? ये सोफोक्लिक्स। लॉन्ग एगो यानी लॉन्ग एगो बहुत लंबे समय पहले, बहुत दिनों पहले, बहुत सालों पहले की बात है। लगभग 496 बीसी से लेके 406 बीसी तक, यानी 496 ईसा पूर्व से लेकर 406 ईसा पूर्व तक की, उस समय के बीच का जो बात बता रही है इस यूनानी नाटककार के द्वारा, क्या कि हियर्ड इट ऑन द एजियन एंड इट ब्रॉट, कि हियर्ड सुना, इट ऑन द एजियन। अब एजियन एक समुद्र का नाम है, क्या? एक सी का नाम है एजियन, एक समुद्र का नाम है एजियन समुद्र, एजियन समुद्र। यानी 496 ईसा पूर्व से 406 ईसा पूर्व के बीच में एक एजियन समुद्र था, उस पर ये सोफोक्लिक्स बैठता है। उसके बीच पर क्या बैठता है, उस तट पर क्या होता है, ये जाके वहां देखता है। किसको देखता है? जो ज्वार और भाटा आता है, जो ज्वार भाटे की जो क्रिया होती है, टाइड और ऐब की जो क्रिया होती है उसको देखता है। फिर अपनी प्रेमिका, अपने लवर को बुलाता है वो, और कहता है क्या कि इनटू हिज माइंड द टर्बिड ऐब एंड फ्लो। अब टर्बिड का अर्थ होता है गंदा या मेला, गंदा या मेला हो जाता है ना कोई भी चीज, आप कपड़े ले लो मेले हो जाते हैं, गंदे हो जाते हैं उनके। और ऐब का अर्थ होता है भाटा, यानी ज्वार भाटा हो गया ये। टाइड का अर्थ क्या हो गया? ज्वार, और ऐब का अर्थ हो गया भाटा। कि इनटू हिज माइंड, कि उसके मस्तिष्क में, कि जब वो अपनी प्रेमिका को बुलाता है और कहता है कि देखो इस ज्वार भाटे को, इस भाटे को देखो, कि ज्वार जब आया और भाटा जब गया, यानी जो लहरें होती है समुद्र की वो किनारों के पास आ जाती है, तब तो होता है वो ज्वार आता है, और जब वो वहां से जाती है, वो लहरें वहां से रवाना होती है, तो उस क्रिया को क्या कहेंगे हम? भाटा कहेंगे, समुद्र की बात है। तो इनटू हिज माइंड, उसके मस्तिष्क में That turbid ebb and flow, बहती है, flow है ना बहना, यानी उसके मस्तिष्क में जो भाटा का बहना या जो भी क्रिया वो देखता है उस समुद्र पर, तो उसका मस्तिष्क क्या हो जाता है? विचलित हो जाता है। कि of human misery we, कि of human जो मानव का जो मस्तिष्क है या उसका मस्तिष्क है वो क्या हो जाता है? मिस्री का अर्थ दुख, यानी दुख प्रकट करता है। कब का दुख है? बहुत पहले का, यानी पुरानी बातें उसको याद आ जाती है अपनी प्रेमिका को लेकर, क्योंकि ये लव ऐसी चीज है जिसमें हर आदमी दुख होता है, एक शारीरिक, एक फिजिकल तरीके से और एक मेंटली तरीके से, दोनों तरीके से। यदि किसी की लवर किसी उसे छोड़ देती है तो शरीर का गिरना भी हो जाता है, शरीर कमजोर हो जाता है, उसी उसी के बारे में सोचता है, और एक माइंडली डिस्टर्ब हो जाता है वो, मेंटली हो जाता है। तो वही बात कह रहा है कि वो ह्यूमन मिजरी, उसका वो दुख प्रकट करता है पिछली बातों को याद कर कर, अपनी प्रेमिका को याद कर कर। वी फाइंड ऑल्सो इन द साउंड, और जब इसकी आवाज सुनता है वो, कि फाइंड आल्सो, और आवाजें सुनता है इन द साउंड ए थॉट, और वो सोचता है। फिर क्या सोचता है? जब वो घर्षण की आवाज होती है जवार भाटे की, जो वहां पे पेबल्स पड़े हुए थे उनके बीच में जो क्रिया होती है, जो घर्षण होता है, आवाज ध्वनि निकलती है, तो उसको लेकर वो सोचता है कि हियरिंग इट बाय दिस डिस्टेंस नॉर्थन सी, और जो समुद्र का किनारा था, जो डॉवर बीच था, वहां पर वो कहता है कि ये बहुत लंबी दूरी, ये डिस्टेंट उनके बीच में जो दूरियां थी उसको लेकर वो, उसका दिल नहीं मानता, वो दिल दुखी कर देता है उसको, उसका मस्तिष्क खराब हो जाता है। क्योंकि जो मानव के जीवन में जो
दुखों का उतार चढ़ाव होता है। मानव के दुख जीवन में, मानव लाइफ में जो दुखों का उतार चढ़ाव होता है सेम टू सेम, ये इस ज्वार भाटे को लेकर कहा गया कि जैसे ज्वार आता है और वैसे ही चला जाता है, यानी ज्वार आता है भाटा चला जाता है, उसी प्रकार मानव का जो जीवन है, जब एक प्रेम के रूप में कह रहा है कि जब मानव का जीवन एक प्रेम के रूप में होता है तो तब भी ऐसा ही मुझे फील होता है, ऐसा ही मुझे सोचने को मजबूर होता हूँ, तब जाके वो दुख होता है कि देखो किस प्रकार ये जो समुद्र की लहरें हैं, क्योंकि लहरें को अच्छा लगता है किनारों पर आने का क्योंकि प्रेम करती है उनसे, इसको लेकर दर्शाएगा कि जो आप भी या मैं भी कोई भी हो सकता है कि जब भी कोई किसी से प्रेम करते बहुत ज्यादा प्यार मोहब्बत करता हो तो वो जब उससे अलग होता है, विरह की भावना पैदा होती है तो बहुत ज्यादा अपने मन में क्या हो जाता है, दुख प्रकट हो जाता है, और इसी दुख को लेकर उस ज्वार भाटे को एग्जाम्पल के तौर पे लिया है। फिर मैं कह रहा हूँ, बता रहा हूँ दोबारा से इसको कि सोफोक्लिक्स लॉन्ग एगो की, जो सोफोक्लिक्स यूनानी जो नाटककार था, कब की बात है 496 बीसी से लेकर 406 बीसी तक, यानी 496 ईसा पूर्व से लेकर 406 ईसा पूर्व तक, क्योंकि पहले उस समय ऐसा ही चलता था। Heard it on the Aegean, और वो जब Aegean समुद्र पर होता है उसके किनारे पर होता है, and brought into his mind, और उसके मस्तिष्क में आता है, उसका मस्तिष्क इतना खराब होता है किसको लेकर कि that cupid जो गंदा हो जाता है, मेला हो जाता है, या गंदा नहीं होगा यहाँ पे, उसका मस्तिष्क खराब हो जाता है, दुख प्रकट होता है, उसके विरह की भावना पैदा हुई ऐब को लेकर, इस भाटे को लेकर, क्योंकि जब वो ज्वार आता है किनारों के पास तो बहुत अच्छा लगता है उस किनारे को, लेकिन जाता है भाटे के रूप में जाता है तो उसका दुख हो जाता है उसके मन में, और फ्लो वो चला जाता है ऑफ ह्यूमन मिजरी, और जो मानव का जो दुख है, जो मेरा दुख है वो इतना बढ़ जाता है कि हम सोच भी नहीं पाते। वी फाइंड आल्सो, और वो प्रेमिका को बुला के कहता है कि इनटू द साउंड, इस घर्षण में, इस ध्वनि के अंदर बहुत मुझे क्या होता है, दुख फील होता है, मेरा मन नहीं मानता, क्योंकि मोहब्बत चीज एक ऐसी होती है, एक खौफ, और वो सोचता है हियरिंग इट बाय दिस डिस्टेंट नॉर्थन सी, और इस चीज को लेकर वो समुद्र पर बैठ कर ही सोचता है, अपनी प्रेमिका से प्यार मोहब्बत की बातें करता है, फिर भी वो नहीं मानते। तो ये थी इसका तीसरा पार्ट, बिल्कुल शॉर्ट, बिल्कुल आसान तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, पूरी देने की कोशिश करूंगा, क्योंकि ये बहुत ऐसे नहीं कि जल्दीबाजी में करवा दिया, बिल्कुल छोटे छोटे मैं छंद लेके आ रहा हूँ, और उस छंदों के माध्यम से, उन पदों के माध्यम से, उन स्टेंजास के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो बिल्कुल आसान तरीके से, और जैसे आप समझना चाहोगे मैं वैसा करवाता जाऊंगा, बस बात है समझने की आपको, क्योंकि जिंदगी में यदि कुछ करना है तो पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि बैठने से काम नहीं चलेगा कि आप देख लिए वीडियो, देख लिए क्लासे, नहीं, कुछ करना है जिंदगी में तो कर लो, नहीं तो फिर बाद में कुछ भी नहीं है, मेरी तरह रहोगे, क्योंकि जिंदगी बहुत हसीन है ये अपनी, ऐसा देवता भी सोचता है कि मैं भी मानव जीवन में प्रवेश करूं, मानव जीवन व्यतीत करूं, क्योंकि मानव जीवन एक ऐसा पीरियड होता है, एक ऐसा समयावधि होती है जो हर किसी को मुश्किल होता है, बिल्कुल इम्पॉसिबल है कि मानव जीवन हर किसी को नहीं मिल पाता, तो ये मानव जीवन है जिसमें आप जो भी कुछ करना चाहो इस जिंदगी में कर जाओ, नहीं बाद में पता नहीं क्या होगा हमारे साथ, ये हम नहीं जानते, तो ऐसी चीज है कि आप अभी से कुछ करने लग जाओ, क्योंकि अभी बहुत समय बाकी है अपने पास, लाइफ को स्पेंड करना, सब करते हैं प्यार मोहब्बत, आशिकी सब में होती है, तो ऐसे मत मानो, करो, लेकिन कुछ उसका दायरा रखो, क्योंकि बहुत चीजें होती है हमारे पास सीखने के लिए, तो इस लाइफ को स्पेंड करते हुए ये पोइम थी, क्योंकि लाइफ आने वाले समय में आपके साथ भी कुछ पता नहीं ऐसा घटना घटित हो जाए, ऐसी घटना आपके साथ हो जाए जो आपको दुखों से भर दे, तो इस चीज को लेकर पहले ही ये पॉइंट जो है डॉट मैथ्यू अर्नोल्ड आपको संकेत कर रहा है। तो आज की क्लास में इतना ही, कैसी लगी, यदि अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करें, जो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और शेयर करें लोगों तक, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे मुझे ऐसे महसूस हो कि हाँ कुछ पढ़ा रहा हूँ मैं, नहीं तो मेरा कोई पढ़ाने का क्या नहीं है, औचित्य नहीं है यहाँ पे, तो अरे यदि किसी को कोई बात समझ में नहीं आती या और कुछ चाहिए वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, जिससे मैं आपको और भी चीजें अच्छी तरीके से देने की कोशिश करूँ। तो आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद।